नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बनकर। ये चंद लाइनें एक खूबसूरत बचपन की तस्वीर खींच जाती हैं। मासूम, भोला, आजाद और बेफिक्र बचपन। आजाद और बेफिक्र बचपन जैसा कि हम सब का भी रहा, लेकिन ऐसा बचपन हर किसी की किस्मत में नहीं होता। कुछ की किस्मत में होता है बचपन में ही गुड्डे गुड़ियों की तरह ब्याह दिया जाना, यानी बाल विवाह। 85 वर्षों से बाल विवाह का विरोध करने वाले भारतीय समाज में दुनिया में होने वाले बाल विवाहों में से 40% बाल विवाह यही होते हैं। बाल विवाह की समस्या रूढ़िवादी विचारधारा, सामाजिक और आर्थिक कारणों से है। रूढ़िवादी समाज में ऐसा समझा जाता है कि कन्यादान से पिता को पुण्य मिलेगा, लेकिन क्या इस एक पुण्य की खातिर अपनी बेटी से उसके सबसे खूबसूरत वक्त बचपन को छीन लेना क्या एक बड़ा पाप नहीं है? अस्मिता के आज के अंक में जानने की एक छोटी सी कोशिश कि तमाम प्रयासों के बाद भी क्यों हम नहीं रोक पा रहे हैं बाल विवाह को। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं डॉक्टर चंद्रदेव यादव। आप हिंदी विभाग जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आते हैं। स्वागत है आपका चंद्रदेव जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं ज्योत्सना चैटर्जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगभग 10 स्टेट्स में चाइल्ड मैरिज पर काम कर चुके हैं। स्वागत है ज्योत्सना जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं मोहम्मद आफ्ताब। आप एनजीओ सेव द चिल्ड्रन से आते हैं। स्वागत है आफ्ताब जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं रेवा नैयर जी। आप पूर्व सचिव हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में से आपका ताल्लुक रहा है। स्वागत है रेवा जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं सोनी श्रीवास्तव जी। आप मीडिया कंसल्टेंट हैं। बहुत बहुत खुशांदीद सोनी जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट्स जुड़े हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अस्मिता कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नज़र डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। आमतौर पर बाल विवाह का संबंध भारत के कुछ समुदायों में इस प्रथा को लेकर प्रचलित सामाजिक परंपराओं से जोड़ा जाता है। ऐसे समाज में अधिकतम 15 साल की एक लड़की का विवाह एक वयस्क पुरुष के साथ किया जाता है, जबकि हमारे देश में 21 साल के पुरुष और 18 साल की लड़की को ही कानूनन विवाह योग्य माना जाता है। विभिन्न राज्यों में 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित होने वाली लड़कियों का प्रतिशत खतरनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में 73%, राजस्थान में 68%, उत्तर प्रदेश में 64%, आंध्र में 71% और बिहार में 67% है। यूनिसेफ के 2009 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में होने वाले बाल विवाहों का 40% भारत का है। दरअसल बाल विवाह की समस्या रूढ़िवादी विचारधारा तथा सामाजिक और आर्थिक कारणों से है। वहीं कम उम्र की लड़कियां जिनके पास रुतबा, शक्ति और परिपक्वता नहीं होती, वो घरेलू हिंसा, सेक्स संबंधी ज्यादतियों और सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती हैं। कम उम्र में शादी का अर्थ है अशिक्षित रहना, और यही अशिक्षा उनकी गरीबी की वजह बनती है। मोटे तौर पर बाल विवाह लिंग भेद, बीमारी और गरीबी के भवरजाल में फंसा होता है। कानून शुरू से था और अब नए कानून के मुताबिक जो भी ऐसे विवाह में शामिल होगा उसे भी सजा होगी, यानी बाल विवाह कराने और उसमें भागीदार बनने वालों को भी सजा होगी। इनके लिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा और 1,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस बुराई पर तभी जीत हासिल होगी जब समाज का हर व्यक्ति इस बुराई के खिलाफ खड़ा होगा। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। चंद्रदेव जी, मेरा सबसे पहला सवाल आप ही से है। जब हम बाल विवाह की बात करते हैं और आज भी हम देखते हैं कि लगभग 40% या 44% तक बाल विवाह आज भी हमारे देश में हो रहे हैं, बहुत पीछे की तरफ अगर हम चलें तो बाल विवाह की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई? हाँ, हम जब भी बात करते हैं तो सीधे बहुत प्राचीन काल में चले जाते हैं, तो हम भी देखते हैं कि वैदिक काल में बाल विवाह के कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद ईसा पूर्व 600 से लेकर के ईसा पूर्व 300 तक का जो दौर है इसमें बाल विवाह के स्पष्ट प्रमाण मिलने लगते हैं। लेकिन किन कारणों से, किन वजहों से ये बाल विवाह शुरू हुए होंगे उस दौर में,
इसका उल्लेख नहीं मिलता है। परिस्थितियां भी क्या थी ये भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती हैं। इसके बाद जो बौद्धायन धर्मसूत्र हैं इनमें लड़की की उम्र का विवरण थोड़ा सा दिया गया है। उसमें बताया गया है कि किसी भी पिता को अपनी उस बेटी की शादी कर देनी चाहिए जो नग्निका हो और उसको वयस्क और ब्रह्मचारी पुरुष से करना चाहिए जो, लेकिन अगर वह बाद में चल करके उसका पति बदचलन या सद्गुणों को छोड़ देता है तो लड़की को उसे फिर वयस्क होने पर उसके घर भेज देना चाहिए। इसके बाद